हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और जो जो छात्र इस चैनल पर नए आए होंगे, वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके नवोदय विद्यालय 2024 के पेपर की तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो सकती है। और छात्रों, आपको वीडियो को पूरा देखना है यदि आप नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी करना चाहते हैं। तो कहीं भी आप वीडियो मत छोड़िए, पहले आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर एक बार देखिए। और जो क्वेश्चन, जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है, वो आप हमसे कमेंट में भी कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो छात्रों, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो छात्रों, पिछली वीडियो में हमने भाषा परीक्षण के अनुच्छेद पहले को सॉल्व कर दिया था, तो आज की इस वीडियो में अनुच्छेद दो को सॉल्व करेंगे। चलिए अनुच्छेद के दो को पढ़ना हम शुरू करते हैं। छात्रों, आपको देखिए, इसे हल करने से पहले आपको इस कहानी को, अनुच्छेद को, ये जो अनुच्छेद है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर इसे हल करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको अनुच्छेद को बहुत काफ़ी ही अच्छे से पढ़ लेना है, फिर इसे हल करना है, इसके प्रश्नों को, ठीक है। तो चलिए, ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिसमें पृथ्वी में गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र होता है। इसके खुले हुए मुंह को ज्वालामुखी का मुख, विवर कहा जाता है। कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो सकता है। इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है और राख, धूल, गैस तथा भाप के बड़े बादल, बड़ी आवाज सहित ज्वालामुखी के मुख विवर से उठते हैं। कुछ समय के बाद गर्म पिघलती हुई चट्टान, जिसे लावा कहा जाता है, पहाड़ से नीचे बहने लगती है। यह अनेक दिनों या सप्ताहों तक जारी रहता है, फिर ज्वालामुखी दोबारा सो जाता है। या अनेक वर्षों तक सुप्तावस्था में रहता है। बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं, जो द्वीपों पर निर्माण करते हैं। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये अनुच्छेद अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। छात्रों, आपको अनुच्छेद को थोड़ा कहानी की तरह अच्छे से समझना होगा, जिससे कि आप इसके प्रश्नों को सोल्व कर सकें। तो यहाँ पर दिया है प्रश्न, ज्वालामुखी के बारे में क्या सही है? यह बड़ी जंगल आग सा होता है, यह राख, धूल और लावा फेंकता है, यह अधिकांश समुद्र के निकट पाया जाता है, इसमें पृथ्वी से नीचे तक पहाड़ गहरा छिद्र होता है। तो ये जो सी वाला है, हमने देखिए टिक भी कर दिया है, यह अधिकांश समुद्र के निकट पाया जाता है, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने कहानी में भी पढ़ा था ज्वालामुखी इसमें गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र होता है, खुले, रुकिए हम आपको दिखा रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था, अभी देखिए इसमें समुद्र के बीच, मतलब कि पास में पाया जाता है, इसी ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था इसमें। तो वो किधर गया, ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत जिसमें गहराई जाने,
यह देखिए यहाँ पे नीचे में है, ठीक है। तो ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं, समुद्र के निकट पाए जाते हैं, तो यह अधिकांश समुद्र के निकट पाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए यह अधिकांश समुद्र के निकट पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब कि ज्वालामुखी जो है अधिकांश समुद्र के निकट पाए जाते हैं, तो यहाँ पर यह वही चीज़ लिखा है, और यहाँ पर लिखा है बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं, बहुत से अधिकांश बात लिखी है, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न को देख लेते हैं। जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे कहा जाता है सुप्त, सोया हुआ, सक्रिय या फिर मौन। तो इसका कौन सा सही होगा? तो छात्रों प्रश्न नंबर 68, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे कहा जाता है सक्रिय कहा जाता है या फिर सुप्त कहा जाता है, सोया हुआ या फिर क्या कहा जाता है, वही आपको बताना है। तो जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो इसे देखिए सक्रिय कहा जाता है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। सर तो इसको भी समझ लेते हैं। पहाड़ से नीचे बहने वाले लावा अवस्था में होता है तो ठोस होता है, वाष्प होता है, द्रव होता है या फिर गैसीय। तो वह द्रव अवस्था में होता है तभी तो वह बहेगा या फिर कैसे बहेगा, ठीक है। तो वह पिघला देता है पहाड़ बड़े बड़े चट्टानों को वह पिघला देता है, जिससे कि वह द्रव अवस्था में फिर वह परिवर्तित हो जाता है, फिर वह बहने लगता है इधर से उधर। और आगे चलते हैं। शांत का यहाँ विलोम है तो निश्चल है, सुंदर है, स्थिर है या फिर सक्रिय है। तो शांत का विलोम शब्द है सक्रिय, ठीक है। और यहाँ पर अनुच्छेद के प्रयुक्त सहित का अर्थ लिखिए, तो यहाँ पर इसका जो सही होगा के साथ, ठीक है। अनुच्छेद में सहित का अर्थ है के साथ। तो छात्रों आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ चुके होंगे, जो आपको समझ में नहीं आता है वह हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 1 को सोलो किया था और इस वीडियो में हमने अनुच्छेद 2 को सोलो कर दिया है। अब आने वाली वीडियो में अनुच्छेद 3 को सोल्व किया जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।